ही आ रहा होगा। इस समय स्क्रीन पर है रजत और सलीम ठाणे, सामने है नागर दादा, बहुत बेहतरीन मैन ऑफ द मैच बने हैं फिर से रजत। एक महीने में कई इनाम पाते होंगे आप मैन ऑफ द मैच पूरे? कोई पता नहीं है कितना, सब घर ले जाते हैं या किसी को देते भी हैं? सब घर ले जाने का मौका नहीं मिलता है। क्या बात है, दोस्तों को भी आप नवाजते हैं, इसके लिए तो कौम के और तमाम जनता आपको बहुत चाहती है। जोरदार ताली हमारे खिलाड़ी रजत के लिए। 89 रन की पारी खेली है, बिल्कुल सद्दाम के मुकाबले में जिस तरह सद्दाम ने खेला था, लेकिन छक्के बहुत ज्यादा हैं, 11 छक्का है अकेले चित्रांश का, बेहतरीन प्रदर्शन। तो इस समय तीन खिलाड़ी मेरे ख्याल इस की दौर में रहेंगे, सद्दाम है, विकास कैरी है और अब चित्रांश भी मैदान में दौड़ पे आ गए हैं। चित्रांश भाई, इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं टूर्नामेंट में नागर दादा जो इतना अच्छा विकेट और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया है, क्योंकि ग्राउंड एक पीछे वाला था तो थोड़ा उसमें दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए नया ग्राउंड बनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा ग्राउंड मेंटेन किया है। और मैच की बात, तो मैच में हम लोग का यही प्लान था कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाया जाए, क्योंकि सामने की तरफ हवा चल रही थी, अगर किसी भी बैट्समैन के बैट में लगने लगी बॉल तो आराम से इजी छक्का यहाँ पे पड़ सकता है। तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिला और बाकी हम लोग लास्ट में फिनिश भी अच्छा किए, इससे बहुत ही इजी हो गया मैच। बहुत शुक्रिया चित्रांश, और आपकी रणनीति कामयाब हुई, पहले बल्लेबाजी आपने किया, हवा का पूरा फायदा मिला। और अब आ गए हमारे विशाल जी, हमारे नागर दादा के बहुत करीबी मित्र, आज का मैन ऑफ द मैच और कैमरे में इसमें लाइव अपने इनाम के साथ मौजूद है चित्रांश। 89 रन की शानदार पारी, इस टूर्नामेंट की काफी तारीफ की उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव जुड़ने के लिए।